प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस मैदान धर्मशाला में एक अभूतपूर्व और विशाल आभार रैली को संबोधित कर वर्तमान राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित समारोह की गरिमा बढ़ाई। रैली में राज्य के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और इसे एक ऐतिहासिक तथा मेगा समारोह मनाया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और राज्य की एक वर्ष की उपलब्धियों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई कॉपी टेबल बुक जारी की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर तैयार किए गए एक वृत्त चित्र को भी प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री का उनके आगमन पर मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ नेताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने शॉल, हिमाचली टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी वह हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं तो उन्हें हमेशा लगता है कि वह अपने घर आए हैं। इस तरह का संबंध उन्होंने राज्य के साथ साझा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री की अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति से धन्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके परोपकार और समर्थन के कारण राज्य सरकार का ये एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को राज्य सरकार की कल्याणकारी और विकासोन्मुख नीतियों और कार्यक्रमों से लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने समारोह को अपनी भव्य उपस्थिति से ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री की स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र को सरकार की नीति दस्तावेजों के रूप में अपनाया है और पहले ही से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विकास के लाभ सबसे निचले स्तर पर होने वाले व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का पहला ही निर्णय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर लक्षित था, जिनमें पेंशन प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया और वह भी बिना किसी आय सीमा के और इस निर्णय से राज्य के 30 लाख से अधिक वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने एक वर्ष की एक छोटी सी अवधि के दौरान राज्य के कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 63 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच आम आदमी के लिए उनकी शिकायतों के तत्काल निवारण में वरदान साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य के 65 निर्वाचन क्षेत्रों में 76 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 20,065 शिकायतों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों को 32,134 नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना अंतर्गत में 85,421 एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा युक्त हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना उन परिवारों के लिए आरम्भ की गई है जो आयुष्मान भारत अथवा अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक के निशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार पर्यटन क्षमता से नवाजा है और राज्य सरकार इसके अधिक से अधिक दोहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अनछुए गंतव्यों को विकसित करने के लिए नई राहें, नई मंजिल योजना शुरू की है। उन्होंने राज्य के लिए 1900 करोड़ रुपए की एशियन विकास बैंक पर्यटन विकास परियोजना स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। केंद्र द्वारा राज्य के लिए दिए गए उदार वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने एक वर्ष की इस छोटी सी अवधि के दौरान राज्य के लिए 9,100 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में विकास की गति तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य के लोगों के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति जो प्यार है और स्नेह है, वो इसके लिए उनके ऋणी हैं। जन आभार रैली
अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के अगर कोर में कोई विषय है वो जन है, जन मंच, जन आभार रैली, कुल मिलाकर एक साल जो ईमानदार प्रयास का एक साल है, एक साल विकास का है, उसके कोर में जन है और उसी जनता को आभार प्रकट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से जिस प्रकार से एक वर्ष में पिछले पांच साल पहले की जो चुनौतियां थी, आप याद करिए, पांच साल पहले गुड़िया कांड, आप याद करिए होशियार कांड, आप याद करिए सड़कों की दुर्दशा, एक साल में विकास हुआ है और उसी लिए जनता को आभार देने के लिए ये रैली की गई है, ये रैली आयोजित हो रही है और जनता को जो समर्थन मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार अभिभूत है। कोशिश कर रहा हूँ जाने की। तो क्या लग रहा है आपको कि आप मोदी की रैली देख पाएंगे? अभी तक तो होप से देख पाएंगे, बाकी प्रोटोकॉल जैसा अलाउ करेंगे। तो मोदी आपके क्या आइकॉन है? बिल्कुल। कैसे? मैं तो उनको कई सालों से फॉलो करता हूँ, जब वो पीएमपी नहीं थे, जब वो गुजरात स्टेट के से सेम थे, तब से उनको फॉलो करता था। तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी उनको लाइव देखने का? एक बार लाइव देखना चाहता हूँ। दैट्स इट। ठीक है जी, ये जाइए। आप कहाँ से हैं और क्या करने आए हैं यहाँ? मैं यहाँ धर्मशाला गाड़ी से हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का पिछले चार वर्षों से जो जन कल्याण हित की हैं उनका प्रचार करता हूँ। आज भी मैं उनकी उनके इसको प्रचार करने आया हूँ, उनकी नीतियों का प्रचार, और मैं बाहर से आए व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ जो प्रधानमंत्री जी की रैली में आए हैं। और हमारा जो उद्देश्य है जन सेवा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का प्रचार जो है वो जन की सेवाओं में जनता के लिए किया जाता है, किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी नीति बनाई